और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। उनके ताजा बयान से कयास को और भी बल मिल गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि अगर मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे ना हो पाए तो नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान से एक बार फिर उनके राजनीति में आने की अटकलें लगने लगी हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पंजाब में सीएम चेहरा बन सकते हैं। हालांकि सोनू सूद पहले कह चुके हैं कि वे राजनीति में नहीं आएंगे। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में उनकी पार्टी का सीएम फेस सिख समाज से होगा। सोनू कुछ समय पहले केजरीवाल से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, तब से उनके राजनीति में आने की सुगबुगाहट और भी तेज हो गई है। कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारियां सरकारां, बहुत सारे स्टेट्स दे लोकी आके मैनिफेस्टोस पास करके लोगों को कहते कि जे साड़ी सरकार पावर दे विच आए तो असीं इह चीज़ां लोगों को देवांगे, कुछ फ्री चीज़ां देवांगे या बहुत सारियां चीज़ां प्रोमिस कीतियां जांदियां। मैनूं लगदा कि जदों ये मैनीफेस्टोज आन सारा नूं पहलां तां नाल इक एग्रीमेंट होना चाहिए है आम लोगों के नाल कि ये मेरा एग्रीमेंट की कॉपी भी मैनीफेस्टो में मैं दे रहा कि इस समय टाइम लिमिट के विच मैं चीज़ां सारियां डिलीवर करांगा। जे मैं नहीं डिलीवर कर पाया उहदे नाल इक रेजिग्नेशन भी होना चाहिए कि ये रेजिग्नेशन है मेरा, और जे मैं नहीं डिलीवर कर पाया मैं अपनी सीट दे बैठन लायक नहीं और मैं इन्हूं छड्डना चाहना है। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर जिथे भी लोकी मैनीफेस्टो दिंदे ने नाल अपने रेजिग्नेशन ते और एग्रीमेंट उस लोगों नूं दिओ ताकि वो तुहानूं सवाल पूछ सकन। टाइम लिमिट सैट होनी चाहिए कि इन्ने टाइम दे विच सारे वादे पूरे किए जाएंगे।